ये है Google Pixel 7a जो अभी recently 44,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ है, लेकिन HDFC के 4,000 के डिस्काउंट के बाद मुझे ये फ़ोन 40,000 की प्राइस में पड़ा है। और आप लोगों से मैंने पूछा था कि आप लोग सबसे पहले इस फ़ोन का कंपैरिजन किस फ़ोन के साथ चाहते हो, तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर OnePlus 11R को चूज़ किया, जो कि पूरी तरह से सेंस भी बनाता है क्योंकि 40,000 की प्राइस में ये फ़ोन भी अपने आप में वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन की कैटेगरी में आता है। और पूरा कंपैरिजन एकदम नेक टू नेक किया जाएगा ताकि आपका बजट अगर 40,000 के आसपास है तो आप लोगों को भी क्लियरिटी मिल जाए कि इन दोनों में से आपको अपने लिए कौन सा फोन लेना चाहिए। थ्रू आउट दी वीडियो अगर इस टेबल को फॉलो करते हुए चलोगे तो सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। तो अभी फिलहाल बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इन दोनों फोन की डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि जब पिक्सल 7a मेरे हाथ में आया था ना, सबसे पहले मेरा पहला ही ध्यान फोन की डिस्प्ले पर गया था। इस वजह से नहीं कि छोटी डिस्प्ले 6.1 इंचेस की है तो कॉम्पैक्ट लग रहा है फोन, नहीं, इन गुड रीजंस की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से ध्यान गया क्योंकि इसके बेजल्स, मतलब आप खुद यहाँ पर देख सकते हो, अच्छे खासे थिक बेजल्स है ऊपर नीचे आजू बाजू। और वहीं पर अगर आप वन प्लस को देखोगे इसके सामने तो मतलब कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कर्व्ड डिस्प्ले है तो आप खुद ही देख लो, बेजल्स तो है ही नहीं, तो वन प्लस तो मतलब इसके सामने काफी ज्यादा सुपीरियर डिवाइस लग रहा है। दूसरा, ये जब फोन शुरुआत में हाथ में आया तो ऐसा लग रहा था मतलब अभी भी 60Hz पर ही चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में सेटिंग में जाके आप वो चेंज कर सकते हो। अभी 90Hz में भी आप इस फोन को यूज कर पाओगे, 60-90Hz के बीच में बेसिकली स्विच करता रहता है। लेकिन फिर भी अगर मैं वन प्लस से कंपेयर करूँ तो यार वन प्लस में 120Hz का रिफ्रेश रेट है, तो अगेन वहां पर भी वन प्लस ही बेटर है। दोनों की डिस्प्ले ऐसे इंडोर्स में जब यूज कर रही थी, कोई भी कॉन्टेंट देख रही थी, मुझे सही लग रहा था। नेटफ्लिक्स में HDR वगैरह का सपोर्ट भी दे रखा है, 4K में आप YouTube पे मस्त वीडियोस देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन अगेन जब मैं आउटडोर्स में गई तो OnePlus काफी अच्छा खासा ब्राइट था, हार्श सनलाइट की मैं बात कर रही हूँ, प्रॉपर धूप में जहाँ पे जाते हैं, लेकिन मुझे स्ट्रगल हो रहा था Pixel 7a में। तो अगर आपका आउटडोर्स में काफी ज्यादा यूसेज रहता है फोन के साथ, आपका काम ही ऐसे आउटडोर्स में रहता है, तो मतलब आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा Pixel 7a को लेने से पहले। लेकिन अगेन अगर आप मुझसे पूछोगे इन दोनों में से किसकी डिस्प्ले आप ज्यादा प्रेफर करोगे, तो नो डाउट कोई चांस ही नहीं है कि मैं पिक्सल 7a को किसी भी वे में आगे रखूं। मेरे लिए OnePlus 11R की डिस्प्ले फार 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 सुपीरियर है। एनीवेज, अभी बात करते हैं यहाँ पर दोनों फोन के कैमरास के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो क्या कर रहे हो यार, कर लो, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो ताकि आगे भी ऐसी वीडियोस एकदम टाइम पर देखने को मिले। खैर, कैमरास के बारे में बात कर रहे थे। देखो, कुछ हो ना हो, पिक्सल वालों ने अपने आप में तो मतलब ऑन पेपर तो एटलीस्ट चीज़ें इंप्रूव करी है, क्योंकि पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है रियर साइड में विद OIS, जो कि एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फ्रंट में, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी। OnePlus का तो आपको पता ही है, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप विद 50 मेगापिक्सल रियर कैमरा, OIS सपोर्ट, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी, तो ये तो पुराना हो गया। बट हाँ, जितने भी फोटोज मैंने यहाँ पर कैप्चर करे, देखो पिक्सल का मतलब जाना ही जाता है, अपने जो फोटोज आते हैं वो काफी नेचुरल टच देने की वहां पर कोशिश करते हैं, ह्यूमन स्किन टोन पर तो स्पेशली। अगर आप थोड़े से पेड़ पौधों के फोटो लोगे तो वहां पर फिर भी थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करके थोड़े अपने कलर साइंस ऐड करना वहां पर ये करता है, लेकिन ह्यूमन स्किन टोन पर तो काफी नेचुरल टच मुझे देखने को मिलता है, जबकि OnePlus में मतलब काफी अच्छा ओवरऑल ये बैलेंस करते हुए चलता है हर एक चीज को। अगर आप फोटोज देखोगे ना, चाहे फ्रंट के देखो चाहे रियर के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि OnePlus में थोड़ी आई प्लीजिंग फोटोज आती है, ऐसी फोटोज है जो शायद आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पर अपलोड कर दो। बाकी मैंने काफी सारी फोटोज ऐसे आर्टिफिशियल लाइट में भी कैप्चर करी और वहां पर मुझे पिक्सल के कलर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़े बेटर लगे जब मैं डे टाइम में कैप्चर करी थी उससे। लेकिन यहाँ पर भी 11R के कंपैरिजन में मैं देखूँ तो मुझे थोड़े 11R के फोटोज़ ही यहाँ पर ज़्यादा बेटर लगे, बट स्टिल यहाँ पर काफ़ी कांटे की टक्कर टाइप का मैं बोलूँगी। अभी लो लाइट में जब फोटोज़ कैप्चर करते हैं तो लो लाइट कैपेबिलिटीज़ पिक्सल की नहीं है इतनी अच्छी, OnePlus इससे फार बेटर है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली ध्यान रखनी चाहिए, जो एक एक करके मैं आपको बता दूँ। पहली बात तो ये है, मैंने कुछ पोर्ट्रेट फोटोज़ कैप्चर करी है, आप खुद देख लो, सेम डिस्टेंस से कैप्चर हुई है लेकिन पिक्सल इसको काफी ज्यादा जूम कर देता है, और बावजूद इसके कई बार फोकस लूज कर देता है। ये सिर्फ पोर्ट्रेट में नहीं फोकस लूज करता है, कई बार नॉर्मल फोटोज ले रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, कई बार फोकस लूज कर देता है, इस वजह से डिटेल्स नहीं आ पाती। मुझे नहीं पता ये बग है या फिर क्या है, बट ये चीज मेरे को लगता है डेफिनेटली फिक्स होने की जरूरत है। लेकिन जहां तक बात रही वीडियोज वगैरह की, तो पहली बात तो मुझे पिक्सल में एक चीज अच्छी लगी कि आप फ्रंट में भी 4K में शूट कर सकते हो, जो कि OnePlus में ऑप्शन नहीं दे रखा, और सेल्फी वीडियो में ना ये ज्यादा बेटर एक्सपोजर भी बैलेंस करता है, मतलब स्किन टोन तो
दोनों की अच्छी है, थोड़ी अलग अलग है, वो आप देख लेना, लेकिन एक्सपोजर जो है वो पिक्सल ने ज्यादा बेटर बैलेंस किया है सेल्फी वीडियो में। बाकी जब मैंने रियर साइड से वीडियो बनाया तो वहां पर स्टेबलाइजेशन दोनों का अच्छा था, दोनों में कलर्स वगैरह भी डिफरेंट थे, लेकिन अच्छे वीडियोस बन जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बोलूं तो मेरे अकॉर्डिंग वन प्लस 11R के कैमरास ज्यादा बेटर है। पिक्सल को अभी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की मेरे अकॉर्डिंग तो जरूरत है यहाँ पर। खैर कुछ भी बोल लो यार, लेकिन एक चीज में पिक्सल को बीट नहीं कर सकते, वो है इनके सॉफ्टवेयर अपडेट्स और सिक्योरिटी। पहली बात तो आपको ये है कि पिक्सल 7a में आपको 3 साल के मेजर OS अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे भी अच्छी बात ये होती है एंड्रॉइड 14 का, एंड्रॉइड 15 का जब अपडेट आएगा तो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फोन्स में से ये फोन्स होंगे जहां पर आपको सबसे पहले अपडेट देखने को मिलेगा। कई सारे फोन्स में ना हम एक एक साल तक इंतजार करते रहते हैं, तो वैसा वाला सीन पिक्सल में तो डेफिनेटली नहीं होने वाला। टाइटन M2 सिक्योरिटी चिप, हार्डवेयर बेस्ड चिप यहां पर ऐड करी गई है, तो उस केस में आप बोल सकते हो कि पिक्सल पर आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो यहां पर। अभी वन प्लस भी ऐसे कोई बुरा नहीं है, 2 साल के मेजर अपडेट, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस यहां पर भी देखने को मिल जाएंगे, और यहां पर भी UI भी मतलब यहां पर भी अच्छा है, क्योंकि यहां पर भी ऐसा कोई ब्लॉटवेयर्स नहीं है, कोई ऐसे एड्स वगैरह नहीं आती है, और पिक्सल तो है ही स्टॉक एंड्रॉइड बेस्ड फोन, वहां पर भी कोई UI में सीन ही नहीं है। तो UI वगैरह दोनों के अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए, थोड़े अपडेट्स के मामले में अगर आप ज्यादा पर्टिकुलर हो, तो उस मामले में डेफिनेटली पिक्सल ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी देखो इसके अलावा अगर बात करें परफॉर्मेंस की ना, तो पहली बात तो ये है OnePlus में Qualcomm Snapdragon 8+Gen 1 चिपसेट देखने को मिल रहा है, वहीं पर पिक्सल 7a में हमें टेंसर G2 चिपसेट दिया है जो कि Samsung मैन्युफैक्चर करता है। एंटीटू तो स्कोर्स में तो देख ही सकते हो डिफरेंस है, जो कि होना भी था, मतलब 8+Gen 1 पावरफुल प्रोसेसर है, लेकिन मतलब पिक्सल 7a में जो प्रोसेसर दिया है वो इतना ज्यादा वियर्ड परफॉर्म कर रहा है, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था। वियर्ड का मतलब ये है, जैसे कि मैंने जब यहाँ पर वीडियो एडिट करा तो रेंडरिंग वगैरह में इसने टाइम नहीं लिया, लेकिन जब मैंने यहाँ पर CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट परफॉर्म किया तो आप खुद देख सकते हो यार, मैंने ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, मतलब मैंने बहुत बार ये टेस्ट किया है और ये हर बार इतना ही रेड ग्राफ आता है, ठीक है। और ये फ़ोन एक और चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा हीट होता रहता है, मतलब रस्ते चलते आप कुछ नॉर्मल टास्क भी परफॉर्म कर रहे हो ना, वहाँ पर भी हीट हो जाएगा, आप इसको चार्ज कर रहे हो वहाँ पर भी हीट हो जाएगा, आप इसमें थोड़ा भी हैवी ग्राफिक गेम खेल रहे हो या फिर अगर आप थोड़ा भी मतलब आउटडोर्स में शूट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ना, मतलब ये फ़ोन बहुत जल्दी जल्दी गर्म होता रहता है, और बहुत हर दिन में आप देख लोगे कि यार फ़ोन गर्म हो चुका है। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अनोइंग लगी। इसके थर्मल्स पर डेफिनेटली पिक्सल को काफ़ी ध्यान देना चाहिए था, जो कि इतना अच्छा हुआ नहीं है फॉर सम रीज़न। और इन सब केसेस में OnePlus 11R फार बेटर है। अगर आपको गेमिंग वगैरह थोड़ा भी आपकी कंसिडरेशन में है ना, तब तो मैं पिक्सल 7a को आपको नहीं रिकमेंड करूँगी, आप फिर तो OnePlus 11R की तरफ जाओ तो ही बेटर है। ऑल्दो यहाँ पर पिक्सल में हैप्टिक्स अच्छे दे रखे हैं, जो कि OnePlus में भी अच्छे हैं, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस वो आपको OnePlus 11R में ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। लेकिन देखो अगर आपको कोई डाउट्स या फिर कोई क्वेरीज कंसर्न अभी भी रह जाते हैं तो वो चीज़ें हम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं Amazon पर लाइव आ रही हूँ 17th May को शाम को 6 बजे। सारी डिटेल्स और लाइव का जो लिंक है वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको क्लिक करके मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। याद रखना 17th May शाम को 6 बजे। अभी देखो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी एंड इन हैंड फील के बारे में। इन हैंड फील तो नो डाउट मतलब OnePlus 11R की काफ़ी ज़्यादा बेटर है ही, मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में ये बोल चुकी हूँ। लेकिन अगर आप उनमें से हो जिसको एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन पसंद है, देन मेरे अकॉर्डिंग पिक्सल 7a में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। पहली बात तो ये प्लास्टिक बिल्ट है बैक साइड में, लेकिन ग्लॉसी है, इतने ज़्यादा स्मर्चेस वगैरह मतलब ऐसे दिखते नहीं, और प्लस ये कलर भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। फ्रेमिंग यहाँ पर इन्होंने रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम की यूज़ करी है। OnePlus ग्लास बिल्ट के साथ आता है, इस वजह से प्रीमियम लगता है, लेकिन ये पीछे का जो ग्लास बिल्ट में कौन सी इन्होंने प्रोटेक्शन यूज़ करी है इसके बारे में बताया नहीं है, तो काफ़ी रिस्की है इस फोन को बिना कवर के साथ यूज़ करना, तो और एक बार गिर गया टूट गया तो बस टूट गया, प्लास्टिक में ज़्यादा से ज़्यादा गिर गया तो स्क्रैचेस ही आएंगे, वो वाली चीज़ भी रहती है। इधर फ्रेमिंग भी प्लास्टिक की दी है OnePlus में, तो वो भी एक चीज़ है ध्यान रखने लायक। पिक्सल में इन्होंने कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी है फ्रंट में, इन्होंने किस तरह की प्रोटेक्शन दी है इसके बारे में भी नहीं बताया, बस इधर उधर से सुन के अभी तक यही पता लगा है कि ड्रैगन ट्रेल शायद इन्होंने यूज़ किया। बट इसके अलावा पिक्सल में एक और चीज़ अच्छी है कि IP67 रेटेड है ये स्मार्टफोन, इसमें कोई ऐसी रेटिंग वेटिंग नहीं है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो पिक्सल 7a को एक ऐसा फ़ोन बनाती है जिसको मतलब आप रफ एंड टफ तरीके से यूज़ ले सकते हो। और एक और चीज़ मुझे पिक्सल 7a में अच्छी लगी है, वो है इस फ़ोन के स्पीकर्स। दोनों में ही वैसे स्टीरियो स्पीकर्स है, दोनों के स्पीकर्स की क्वालिटी अगर आप इंडिविजुअली सुनोगे ना आपको अच्छी लगेगी, सूदिंग साउंड है, लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वहाँ पर मैं बोल सकती हूँ पिक्सल 7a के स्पीकर्स थोड़े से ज़्यादा लाउड है और थोड़ी सी साउंड भी बेटर बोल ही सकते हो आप। खैर अब आते हैं दोनों फ़ोन की बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट पर। देखो OnePlus 11R में ना आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है, 100 वॉट
स्लॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर डाल के भी दिया है। विद इन अ 30 मिनट्स ये फ़ोन फुल चार्ज हो जाता है, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा सॉलिड चीज़ है। और वहीं पर पिक्सल 4300 mAh की बैटरी के साथ आता है, जिसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी है। मतलब बैकअप भी अभी तक तो मतलब ठीक ही मिल रहा है, ऐसे बहुत कुछ एक्सट्रीमली अच्छा भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि फ़ोन थोड़ा हीट करता रहता है शायद इस वजह से। लेकिन ये फ़ोन विदाउट चार्जर आता है, ऊपर से ये फ़ोन सिर्फ सपोर्ट भी 18 वॉट की चार्जिंग को ही करता है, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दे दिया है। तो ये वाली चीज़ें बेसिकली, अगर आप थोड़ा सा सेंसिबल होके सोचोगे तो मेरे अकॉर्डिंग वन प्लस 11R फार फार बेटर है यहाँ पर भी। अभी देखो चीज़ें बहुत ही सिंपल है, अगर आपको ट्रू सेंस में एक वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए, जो फ़ोन अपनी प्राइस को अच्छे से जस्टिफाई करे, उसके फीचर्स उसको जस्टिफाई करे, देन नो डाउट वन प्लस उस केस में ज़्यादा बेटर है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप थोड़े और ब्रांड कॉन्शियस हो, वैसे तो वन प्लस भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, लेकिन कई लोगों को गूगल पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है, तो अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हो, आपको एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन पसंद है, आप पहले भी पिक्सल सीरीज के ही फ़ोन यूज़ करते हुए आए हो, आपको एकदम स्टॉक एंड्रॉयड ही चाहिए, तो फिर मतलब आप पिक्सल 7a को भी देख ही सकते हो। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे क्या ये फ़ोन 40,000 के वर्थ है, मेरा आंसर है नहीं। मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ। उसके पीछे रीज़न है, जिस तरह से बेजल्स दे रखे हैं, जिस तरह से फ़ोन हीटिंग के इशूज़ अभी फ़िलहाल क्रिएट कर रहा है, उस हिसाब से ये फ़ोन नहीं जस्टिफाई कर रहा है। बेसिकली अगर आपको अपने पैसों की वैल्यू है, तो आई गेस वन प्लस 11R की तरफ जाना ज़्यादा सेंस बनाएगा, ये वाली चीज़ है। बाकी वन प्लस 11R को मैं और भी फ़ोन्स के साथ कंपेयर कर चुकी हूँ, वो नहीं देखा है तो देख लेना। बाकी मैं अमेज़ॉन पर लाइव आ रही हूँ 17th May को, तो ज़रूर से लाइव सेशन ज्वाइन कर लेना।